हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, खुला आसमान। सुनंदा सुनंदा आज बहुत गुस्से में थी। उसने अपना पैक पैक किया और अपना सारा सामान समेटा, अपने सर्टिफिकेट सब कुछ रखे बैग में पैक कर लिया और वो गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल रही थी। तभी उसके पति ने देखा तो उसने सुनंदा का हाथ पकड़ लिया कि कहाँ जा रही हो तुम, इतना गुस्सा तुम्हें, तुम घर से जा रही हो, क्या तुम कभी लौट के यहाँ नहीं आओगी? तो सुनंदा गुस्से में कहती, हाँ मैं कभी लौट के नहीं आऊँगी। तो उसकी ननद कहती, हाँ हाँ जाने दो ना, चार दिन अपने मायके में रहेंगी, समझ में आ जाएगा। इत सहजादी की तरह यहाँ रहती थी, अब मायके में जहाँ चार दिन इनको खाना नहीं मिलेगा और चार दिन इनको गरीबी देखेंगी तो इनको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो इस पर सुनंदा कहती है कि मैं ना मायके में रहूँगी ना ससुराल में रहूँगी, मैं अपना खुद का घर बनाऊँगी और वहाँ पर रहूँगी। तो ईश्वर सोमेश कहता, हाँ तुम्हारे पास बड़े पैसे ही हैं जो तुम खुद का घर बनाओगी, अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है, घर के बाहर कदम जैसे रखोगी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुनिया में जीना कितना कठिन है। सुनंदा अपना ज्वाइन लेटर सोमेश के हाथ पर रखती है, वो कहती है मुझे नौकरी मिल गई है और मैं अब एक पल इस घर में नहीं रहूँगी और मैं अपना खर्चा खुद चलाऊंगी, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। तो इस पर सोमेश कहता है, इतना घमंड तुम्हें नौकरी का है? तो सुनंदा कहती, क्यों ना हो, इस घर में हर समय मैंने अपमान का घूंट पिया है, आज जब मुझे जॉब मिल गई है तो मैं सम्मानित ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बहुत मतलब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब मुझे मेरी बर्दाश्त की पूरी सीमा समाप्त हो गई है, कल मेरी कोई गलती नहीं थी इसके बाद भी तुमने मुझे मारा। तो ईश्वर सोमेश कहता है कि तुम गलती तुम्हारी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम हर समय माँ को जवाब दोगी और मेरी बहन को जवाब दोगी, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर आ गई है। तो ईश्वर सुनंदा कहती है कि मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने सही बात बोला था। इस पर उसकी माँ कहती है कि जाने दे बेटा ना, ये से क्या लगता है कि अगर ये हमारे घर में नहीं रहेगी तो क्या हमारे घर का कोई काम नहीं होगा या हमारे घर में कुछ नहीं सही होगा, जाने दे इसे, चार दिन ये बाहर रहेगी इसे खुद समझ में आ जाएगा। तो इस पर सुनंदा कहती है कि मुझे नहीं माँ जी, अब मुझे नहीं समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा। आपको याद है ना कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे और जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब आपने मुझे कितना ताना दिया था कि मेरे घर से मेरे मायके से कुछ भी सामान नहीं मिला, एक दलिद्र के घर में हमने अपनी अपने बेटे का ब्याह कर दिया, इन लोगों ने हमारी इज्जत उतार ली, जबकि हमारे पापा ने आपको अपनी पूरी परिस्थिति बता दी। तब आपने कहा था कि मैं आपके यहाँ से दान दहेज मुझे नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, मुझे एक प्यारी सी संस्कारी सी बहू चाहिए और वो बहू मेरी बेटी रूपा जैसी हो। मेरे पिताजी ने अपनी स्थिति के बारे में आपको पूरी तरह से बताया था, याद है ना? तो इस पर उसकी सास कुछ नहीं बोलती, वो कहती हैं कि हाँ याद है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दें। तो सुनंदा ने कहा कि मेरे पिताजी से जितना हो पाया था उन्होंने सब कुछ दिया था, लेकिन उसके शादी में मेरी विदाई के बाद जब मैं यहाँ पर आई आपने मुझे कितना सुनाया था, मैं अंदर ही अंदर घुटती रही, रोती रही। और माँ जी आपको याद है ना कि जैसे ही मैं इस घर में ब्याह कर आई आपने जितने भी आपके नौकर चाकर थे आपने उन सबको हटा दिया, यह कहकर कि बहू तो आ गई है, कितना काम ही घर में है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, हम सास बहू मिलकर कर लेंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद आपके पैरों में और घुटनों में दर्द होने लगा, जिसका बहाना कर कर आपने वो काम भी छोड़ दिया, आप जितना भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कराती थी वो सारा काम आपने छोड़ दिया। और अगर मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो आप मेरे पति को भड़काती थी, मुझे डांट खिलवाती थी, आप ससुर जी से मुझे डांट खिलवाती थी, आपने हर बात पर मुझे डांट खिलाया, आपने हर बात पर मुझे ताना दिया। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता था या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता था आपने मेरे जेवर को रख लिया था, मैं कहीं भी जाती थी तो मैं बिना जेवर पहने या कोई भी साड़ी पहनकर जाती थी, तो आप वहाँ पर कहती थी कि अगर कोई रिश्तेदार आपसे कहता था कि हाँ जो है आपकी बहू को कोई शौक़ नहीं है क्या पहनने ओढ़ने का, तो इस पर आप कहती इसको कोई शौक़ नहीं, गरीब के घर से आई है ना तो ये जेवर वगैरह नहीं पहनना पसंद करती है,
तो ये सारी बातें कहकर आप हमारी वहाँ पर बेइज्जती करती थी। हमारे रिश्तेदार जब आते थे, जब हमारी तारीफ़ करते थे कि बहन जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको इतनी प्यारी बहू मिली, तब आप वहाँ पर कहती थी अरे मेरी किस्मत अच्छी क्या है, और ये मुझे मिली है ये तो हमारे घर का ये दुर्भाग्य है, ये जब से आई है हमारा बेटा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी सास वहीं पर, सुनंदा की सास वहीं पर चुप हो गई। और इसके बाद रूपा ने कहा कि तुम्हें हर बात पर माँ की गलती ही नज़र आ रही, तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती है, तुम जब माँ तुमसे ये सब कह रही थी तुम चुप क्यों रहती थी, तुम्हें बोलना चाहिए था ना। तो इस पर सुनंदा रूपा की तरफ मुड़ती है और कहती है हाँ मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे संस्कार ने मुझे इजाज़त नहीं दिया कि मैं पड़ों से जुबान लड़ाऊं। लेकिन आपको कौन सा संस्कार मिला हुआ है, मैं आपसे बड़ी हूँ, आपकी बड़ी भाभी हूँ, और कहते हैं कि बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। आपने मुझे कितना इज्जत दिया, आपने हर बात पर मुझे टोका, जब भी मैं कोई कुछ काम करती तो आप उसमें नुक्स निकाल कर माँ जी से मेरी शिकायत करती थी। आपकी सहेलियां आती जब कहती आपकी भाभी कितनी अच्छी है, तो आप कहती थी अरे ये पढ़ी लिखी गंवार है, ये अच्छी है काम काज में, बस इसको चूल्हा चौका के अलावा कुछ भी नहीं आता है, ये सिर्फ चूल्हा चौका कर लेती है, बाकी इसे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तब आपके संस्कार कहाँ गए थे, आज आप मुझे रोक कह रही हैं ना। तब उस समय आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके घर की इज्जत हूँ, आप मेरी बुराई यूँ सबके सामने कर रही हैं, तो आपके ही व्यवहार का उन्हें पता चल रहा कि आपके अंदर कोई संस्कार नहीं, जो आप अपनी भाभी की इज्जत नहीं कर रही हैं। रूपा चुप हो जाती है, वो कहती है कि जो है इतना ज़्यादा तुम हर बात का मन में जहर बना के रखी हुई हो, और मैंने ऐसा क्या कह दिया था, और सबके यहाँ ये सब छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। और तब इस पर सुनंदा ने कहा कि मानती हूँ ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन हर चीज़ में आपने मुझे परेशान किया। अगर माँ जी मेरे लिए कुछ लेकर आती थी तो आप तुरंत उसे कह देती इसको क्या ज़रूरत है, माँ इतनी महंगी साड़ी ये क्यों पहनेगी, क्या मेरा कोई हक नहीं था इस घर में, क्या मेरी हैसियत सिर्फ़ एक नौकरानी जैसी थी, क्या मैं इस घर में आप लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं थी। रूपा चुप हो जाती है, इतने में उसके ससुर सोचते हैं कि वो इन लोगों में बहस हो रहा तो चुपके से बच के निकल लूँ, तभी वो ससुर जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, कहती है और ससुर जी आप तो इस घर के मुखिया हैं ना, और आप कहते हैं कि हर चीज़ में हर सदस्य का बराबर का हाथ है, हर सदस्य जब बराबर से सही साथ में रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा चलेगा, पर आपने भी तो मेरे ऊपर एक गंदी नज़र रखी थी ना, आप कभी पानी मंगाने के बहाने मुझसे गलत बात बोलते थे, कभी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते थे कि जिससे मेरे मन को चोट पहुँचती थी, मैं आप में अपने पिता को देखती थी, लेकिन आप अक्सर जो है मुझे कुछ ना कुछ गंदी बातें या अच्छी बातें बोल देते थे। उसके ससुर का सर शर्म से झुक गया, उसके पति ने सोचा कि मुझे ये क्या कहेगी, मेरे मैं तो इसका पति हूँ, और आज भी नारियों के मन में पति के प्रति एक विश्वास है कि वो उसका परमेश्वर है। तभी जो है सुनंदा ने अपने पति से कहा पतिदेव आपने तो हर छोटी बड़ी बात में मेरी बेइज्जती की, आप अपनी मम्मी की बात सुनते थे, अपनी बहन की बात सुनते थे, लेकिन कभी आपने पूछा कि अगर मैंने कुछ कहा या कुछ किया है तो क्यों किया है, मैं तो आपकी अर्धांगनी थी, मैं आपकी जीवन संगनी थी, एक बार आप मेरी भी बात सुन लेते कि मैंने कोई काम नहीं किया या कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आप पार्टियों में जाते थे, जब मैं आपसे कहती थी कि मुझे भी ले चलिए तो आप कहते थे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर लोग नहीं अच्छे होते हैं, और जब भी कोई आपसे कहता था कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है तो आप उससे कहते थे इसको खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है, और मैं इसे अपने साथ ले जाने में शर्म महसूस करता हूँ, तो वो बातें मुझे चुभती थी। आप जानते थे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी कॉम किया है, और मैं अपनी पढ़ाई में जॉब करना चाहती थी, लेकिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी, और मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे कि मैं पापा को मना करती। आप हर बात पर मुझे टोकते थे, एक दिन सफाई करते हुए आपकी फेवरेट घड़ी मुझसे गिरकर टूट गई थी, आपने तनिक भी नहीं सोचा और एक थप्पड़ मुझे जड़ दिया था, आपने एक बार भी नहीं सोचा मुझे कितना कष्ट हुआ,
मेरे पति हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे जब जी चाहे मारे, जब जी चाहे पीटे। कल रात को भी मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी आपने मुझे मारा। ये सारी बातें आपको क्या लगा कि मैं सिर्फ क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? पिछले 6 सालों से सब कुछ मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ। आपको पता है कि मैंने अपनी नौकरी की तैयारी कब से शुरू की? जब सासू माँ ने मुझे ये कहकर जलील किया था कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको मैंने पढ़ाया है, ये मेरे घर आकर पढ़ाई की है, जब उन्होंने रिश्तेदारों से ये कहा, तब मेरा आत्मसम्मान जागृत हुआ। मुझे लगा नहीं, मुझे जॉब करना ही करना है। मैं रात रात भर कर, जब आप पार्टियों में चले जाते थे और देर रात से आप वापस आते थे, तब मैं पूरी रात जाकर पढ़ाई करती थी। मेरी सासू माँ और घर वालों को ये लगता था कि मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ, पर मैं उस टाइम पर पढ़ाई कर रही थी। मैं अपनी मार्कशीट, अपने सब कुछ जो है बहुत प्यार से मैंने एक दिन देखा और मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर बनना है। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मुझे कोचिंग ज्वाइन करना था, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। आपको याद है ना, एक बार मैंने आपसे गिफ्ट में एक एंड्रॉयड फ़ोन मांगा था। वो फ़ोन मैंने सिर्फ इसलिए मांगा था कि मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकूं और ऑनलाइन क्लास कर सकूं। मैं जब अपने सारे काम ख़त्म कर लेती थी और जब रूम में बैठ अकेली होती थी, तब मैं पढ़ाई करती थी। पिछले 6 सालों से मैंने जब जब भी बच्चे की बात की, तब आपने कहा कि अभी खर्चा बहुत है, रूपा की शादी हो जाए, घर में इतना खर्चा है, तो अभी हम बच्चे नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें मुझे कष्ट देती थी और मैं अकेली थी तो मेरा मन मेरी पढ़ाई में लग रहा था। और आपको याद है जब मैं मायके जिद करके गई थी, माता जी ने कहा था कि तुम्हें मायके नहीं जाना है, मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ रिलेटेड आ रहे हैं, तो उन्हें नाश्ता पानी बनाना। तो मैंने सारा काम करके मैं अपने मायके गई थी, याद है ना? सुमेश उसकी तरफ देखता रहता है, वो सर हिलाता है तो कहता है मैं मायके इसलिए गई थी क्योंकि मेरा पेपर था, मुझे पेपर देना था। मैं यहाँ से गई और मैं अपने भाई के साथ पेपर देने गई। आज जब मेरा रिजल्ट आया, तब भी मैंने आप लोगों से नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, तब मैं ये खुशखबरी सबको दूँ। पर मेरी खुशखबरी देने से पहले ही आप लोगों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आपकी माँ ने आपको मेरे खिलाफ़ भड़काया और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि गलती मेरी नहीं, मेरी अगर है तो एक बार मुझसे पूछ लिया जाए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आपने, आपके परिवार ने मिलकर मुझे मारा पीटा, यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे जलाने की भी बात की। मेरी आत्मा तड़प गई और मैंने फिर रात में डिसीजन लिया कि मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। अब मुझे मेरा खुला आसमान मिल गया है और मैं अपने उस खुले आसमान में आज़ादी से घूमूंगी। हाँ, मैं आपको एक मौका ज़रूर दूंगी। अगर आपको पछतावा हो रहा है कि आपने गलत किया है, तो अगर आप सॉरी एक बार सॉरी बोल देते, आप लोग मुझे समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं पुनः वापस इस घर में आऊँगी। लेकिन जब तक आप लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आप लोग गलत थे, अगर कल आपकी बेटी के साथ यही सब होता है तो आप लोग क्या करते, क्या सोचते? अगर आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा, तो मैं इस घर में दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगी। और इस ये कहकर वो झटके से सोमेश से अपना हाथ छुड़ाती है और वह घर के बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी खुला आसमान, कहते हैं ना कि ख्वाब हर लड़की देखती है, वो चाहे अमीर घर की बेटी हो, चाहे गरीब घर की बेटी हो, जब वो आपके घर आ जाती है तो वो आपके घर की बहू होती है। उसे हर बात पर मायके का ताना देना ये गलत बात है। हर बात पर उसे ये जताना, वो उसे ये एहसास दिलाना कि उसके पापा के पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से वो लड़की यहाँ, उसने कुछ देखा नहीं है। ऐसा नहीं है, हर लड़की समाज में रह रही है जो है वो सब कुछ जानती है। उसे कष्ट होता है जब आप उसके माँ बापा को लेकर ताना देते हो।
और रही बात हर लड़की इतनी सक्षम है कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है। आपको जॉब कराना है तो उसके अंदर एक हौसला भरी है कि बेटा तुम जॉब करो, तो हम लोग चाहते हैं तुम जॉब करो, वो आप लोगों के लिए जॉब करेगी। और मैं यहाँ पर एक बात लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि शादी होने के बाद आप अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दो। आप अपने सपनों के लिए ना सोचो कि आप शादी हो गई, घर गृहस्थी में पढ़ना है, क्या करना, मेरे पास टाइम नहीं, ये सब बहाने हैं। आपके पास टाइम होता है, जो आप अपने लिए टाइम निकालते हो ना, जो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालते हो उस टाइम में आप पढ़ाई करो, क्योंकि सपने देखना और पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपके सपने सपनों में उड़ान होगी ना, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि परिवार में जॉब करना दोनों मियाँ बीबी के लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर लड़की को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़े लिखे हो, अपनी पढ़ाई को यूँ खाना बनाना या किचन में वेस्ट मत करो कि हाँ ठीक है हमने पढ़ाई किया था, अब मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो अब मुझे आगे कुछ नहीं करना, ये चीज़ प्लीज़ मत सोचो। आप लोग पढ़ाई करो, आप जिस भी क्षेत्र में आप अच्छे हो आप उस क्षेत्र में जाओ, आप उस क्षेत्र में अपने लिए जॉब देखो, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना वाकई बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो अगर मेरी ये बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी औरतों को कम मत आंकिए। औरतें अगर आपका घर बनाती हैं तो वो अपना करियर भी बना सकती हैं, तो उन्हें कम मत आंकिए, हर बात पे उनका कंपेयर मत कीजिए कि हाँ उनकी वाइफ देखिए ये चीज़ करती हैं तो तुम क्यों नहीं कर पाती। ज़रूरी नहीं, जब हमारी पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं तो क्या आप उनकी वाइफ अगर कुछ करती हैं तो आपकी वाइफ नहीं कर रही हैं तो क्या वो बराबर तो नहीं होंगी ना। कि ज़रूरी नहीं उनकी वाइफ जो कर रही हैं वो आपकी भी वाइफ करे, तो ये ज़रूरी बात नहीं है। आपकी पत्नी में हो सकता है कुछ और गुण हो, कुछ और चीज़ों में उसकी दिलचस्पी हो, तो आप उसे करने के लिए प्रेरित कीजिए कि तुम ये करो, तुम ये बहुत अच्छा करती हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, या तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा जीके बहुत अच्छा है, तुम इस क्षेत्र में अगर जॉब के लिए ट्राई करो तो तुम बहुत अच्छी जाओगी। आप उसे इस तरह कहिए। और मारपीट करना ये तो कानूनी अपराध है, आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, ये तो बहुत गलत बात है। जिस घर में वो अपने माँ बाप, उसके माँ बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया, आप उसके ऊपर जब हाथ उठाते हो तो उसके आत्मसम्मान पर बहुत ठेस पहुँचती है। वो सिर्फ इसलिए चुप रहती है कि कहीं उसका घर ना बिखर जाए, उसके माँ बाप के संस्कारों पर उंगली ना उठ जाए। तो इसका गलत फ़ायदा आप लोग भी मत उठाइए। आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी पर हाथ उठाना ये गलत बात है। तो फिर मैं इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। अगर मेरी कहानी पसंद आए और आप लोगों को लगे कि ये बातें मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।